जिले के कलेक्टर लोकेश कुमार मगर कराहल विकास खंड के सरकारी दीवारों पर जो आज भी कलेक्टर संजय कुमार मौजूद। खबर शिवपुर से है, जहां लगभग 3 माह पूर्व नवागत कलेक्टर लोकेश कुमार चौंगेड़ पदस्थ हो चुके हैं मगर ट्रांसफर होकर जा चुके हैं। निवर्तमान कलेक्टर संजय कुमार का नाम आज भी कराहल विकास खंड के कई सरकारी भवनों की दीवारों पर लिखा हुआ है। आपको बता दें कि यह नवाचौर शिवपुर के पूर्व कलेक्टर संजय कुमार ने इस उद्देश्य से किया था कि जिले भर में किसी भी सरकारी दफ्तर पर यदि किसी हितग्राही के काम करने के एवज में कोई कर्मचारी पैसे मांगे या उसका काम नहीं करे या उसके चक्कर कटवाए तो दीवार पर लिखे कलेक्टर के नंबर पर शिकायत कर सके, जिससे संबंधित पर कार्रवाई हो सके। मगर अब कलेक्टर बदल जाने के बाद भी दफ्तर के जिम्मेदारों ने नए कलेक्टर लोकेश जांगिड़ का नाम दीवार पर नहीं लिखा है और न ही पूर्व कलेक्टर संजय कुमार का नाम दीवार से हटाया है। कई ग्रामीण तो आज भी श्योपुर जिले के कलेक्टर संजय कुमार को ही समझते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि लोकेश जांगिड़ अब श्योपुर कलेक्टर हैं। जब हमारे रिपोर्टर द्वारा इस संबंध में पूर्व कलेक्टर संजय कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि यह तो लापरवाही है, इतने महीने हो गए मेरे ट्रांसफर को, अभी तक तो मेरी जगह नए कलेक्टर का नाम दीवारों पर लिख जाना चाहिए था। क्या स्थानीय प्रशासन भी यही चाहता है कि इन दीवारों पर नए कलेक्टर का नाम ही ना लिखा जाए, जिससे कि कई आमजन कलेक्टर का नाम ही ना जान सके। वहीं जब इस संबंध में जिला पंचायत CEO अतेंद्र सिंह गुज्जर से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं आज भी सभी ग्राम पंचायतों से पूर्व कलेक्टर का नाम हटवा देता हूं। देखिए श्योपुर से संवाददाता मिस श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट।